नमस्कार दोस्तों मैं अरुण एक बार फिर से आप सभी कंप्यूटर प्रैक्टिकल लैब में हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एक्स स्टूडेंट फीस रिसीव एंड आई कार्ड कैसे डाउनलोड करें तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर आपको गूगल में आना है और यहाँ पर आपको एस टाइप करके एंटर कर देना है और ये जो फ़र्स्ट वाला लिंक है एस का ये ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कंटिन्यू फॉर वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे यहाँ पे आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड पे क्लिक करना है ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है और यह क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना एस रोल नंबर डालना है जो आपका थर्ड ईयर में था और जो आपका स्लिप थी उस पर एक बार लिखा होता है वह बार कोड यहाँ डालना है और ये दोनों चीज़ें डालकर आपको यहाँ पे इसे लॉगिन कर लेना है लॉगिन करने के बाद आपका ये कुछ इस तरीके से पेज खोलेगा यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए दिखे, दिखेगा डाउनलोड फ़ी रिसीव अंडर ग्रेजुएट दो हज़ार बीस इक्कीस क्लिक है लेकिन देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ना आपकी फ़ी रिसिप्ट शो होती है ना ही आपका आई कार्ड यहाँ से इसको आप देखिए दो बार क्लिक करिए चार बार क्लिक करिए ओपन नहीं होता है अब यहाँ ऊपर की तरफ देखिए माय अकाउंट में जाने के बाद यहाँ फी रिसिप्ट आई कार्ड पर क्लिक करते ही आपका ये देखिए सारे आ जाएंगे यहाँ पे एक्स स्टूडेंट फ्री रिसिप्ट आपका आ गया है यहाँ से देखिए इस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्रिंट कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे आई कार्ड डाउनलोड करना है तो आई कार्ड के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर इसको क्लोज करके आप आई कार्ड पर क्लिक करके अपने पुराने साल के आई कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं तो ये देखिए दोनों चीज़ें आपकी आ गई हैं